गाइस बहुत ही मतलब एक पेपर की मानी दे, एक पेपर का आप इधर उधर दोनों तरफ से देख लो जितना वो ब्रेक होता है वैसे ये वैसी है। आप ये वाली फिशेस ले लें, भड़ा करें, अपना शौक भी पूरा कर लें, और जब आपका शौक पूरा हो जाए तब इसको तल के खा भी लो आप। अच्छा ये तो सस्ती होंगी क्योंकि बहुत छोटा साइज है। सस्ती है। इसका पेयर कितने का? ये 200 का पेयर है। 200 का पेयर मतलब 100 की फिश है। जी 100 की। इनकी क्या प्राइस होगी? रेड कैप का मिलेगा 3500 का पेयर है। रेड कैप 3500 का, और जो कैली कैप है वो 2500 का। वो 2500 का। इससे ये कैलीकॉन है, और कैलीकॉन में भी ये वेजिटेरियन है? जी ये वेजिटेरियन है। आपके पास सारी वेजिटेरियन पड़ी हुई है? जी अभी वेजिटेरियन पड़ी हुई है। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है जिसमें डेस्परेट यूट्यूबर्स आपके लिए एक्वेरियम से रिलेटेड फिशेज की टाइप्स आपके साथ शेयर की जाएंगी, फिशेज की स्पेसीज जो है वो शेयर की जाएंगी, प्राइजेस शेयर की जाएंगी, और एक्वेरियम के साइजेस जो है किस प्राइस से स्टार्ट होते हैं किस प्राइस तक जाते हैं ये सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को भी लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इस टाइम मैं फिश पैलेस पे मौजूद हूँ, मेरे साथ शहजाद भाई हैं। शहजाद भाई से हम पता करते हैं कि इनके पास फिशेज की कितनी इकसाम पड़ी हुई हैं और उनकी प्राइस रेंज क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहजाद भाई ये बताएं कि आपके पास कौन कौन सी फिश पड़ी हुई है? इसमें वेजिटेरियन होती है, एक मीट होती है। अच्छा मैं आपसे पहले वेजिटेरियन बताता हूँ। वेजिटेरियन। अच्छा। ये नीचे पड़ी हुई है, ये गोल्ड फिश है, सिंपल गोल्ड फिश है। ये गोल्ड फिश है, ये वेजिटेरियन होती है? जी ये वेजिटेरियन होती है। ये खाते क्या है? मैं वेजिटेरियन हूं। एक ही फीड होती है दोनों की। अच्छा अच्छा, एक वेजिटेरियन होती है और दूसरी कौन सी होती है? मीट। मीट तो वो क्या सच में वो मीट खाती है? नहीं नहीं, वो इसको मछली को खाती है। अच्छा मछली मछली को खाती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करती। हाँ गाइस ये चीज़ आप देख लें कि इसमें टू टाइप्स की फिशेस आती हैं, एक वेजिटेरियन होती है और एक मीट वाली होती है। मीट वाली क्या करती है? वो दूसरी फिश को खा जाती है। तो ये आपने परचेज करने से पहले आपने पता कर लेना। अच्छा ये गोल्ड फिश की प्राइस क्या है? ये मिलेगा 3000 का पेयर है। अच्छा ये इसी साइज में 3000 का मिलेगा हमें? इसके अलावा इससे कैसे बड़ा होगा वैसे रेंज इसकी होगी। ठीक है, वैसे ये 3000 का पेयर होगा? जी 3000 का पेयर, इससे थोड़ा बड़ा होगा उसकी ज़्यादा कीमत होगी। ठीक, और ये जो ऊपर ये चल रही है ये वाली कौन सी है? ये कैलीकॉन है। अच्छा ये कैलीकॉन है, और कैलीकॉन में भी ये वेजिटेरियन है? जी ये वेजिटेरियन है। आपके पास सारी वेजिटेरियन पड़ी हुई है? जी अभी वेजिटेरियन पड़ी हुई है। ठीक है, और इनका पेयर कितने का मिल जाता है? ये 4500 का पेयर है। 4500 का पेयर। अच्छा इसमें फीमेल और मेल का पता चल जाता है? ये पता लग जाता है। ठीक हो गए गाइस, इनके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। मैं कुछ हाइलाइटेड जो इनके पास फिशेस पड़ी है ना उनकी प्राइस पता करते हैं, उनकी जानकारी लेते हैं। अच्छा ये वाली कौन सी है? ये ब्लैक सी? ये ब्लैक मोर है। ये ब्लैक मोर है। अच्छा और इसका पेयर कितने का मिलेगा? ये 1500 का पेयर है। ये 1500 का है। ठीक है, और इसका भी जिस तरह साइज बड़ा होता जाएगा और इसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। ये नीचे जोन से ये भी गोल्ड फिश ही है? ये छोटा साइज है गोल्ड फिश का, बेबी साइज। अच्छा ये सबसे छोटा साइज ये होता है? जी ये सबसे छोटा है। इससे भी छोटा होता है, वो भी बड़ा होगा। अच्छा इसकी क्या प्राइस है? ये 800 का पेयर है। ये 800 रुपए का, मतलब 400 रुपए का ईच पीस पड़ जाएगा। और ये ऊपर गोल्ड फिश है लेकिन थोड़ा बड़ा साइज हो गया। ये थोड़ा बड़ा। ये 3000 वाली है या 3000 से छोटी है? ये छोटी है, ये 2000 का पेयर है। ये 2000 का पेयर। गाइस 2000 का पेयर आपको मिलेगा फिश पैलेस से। ये ऊपर वाली भी गोल्ड फिश है? ये रेड कैप है। रेड कैप। अच्छा रेड कैप में ये वाला डिजाइन मुझे थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। अच्छा, ये वो बड़ा साइज है, ये छोटा उसमें कैलीकॉन में। अच्छा इनकी क्या प्राइस होगी? रेड कैप का मिलेगा 3500 का पेयर है। रेड कैप 3500 का, और जो कैली कैप है वो 2500 का। वो 2500 का इस एज में? ये रेंज में, इससे थोड़ा बड़ा होगा कैसे दिखाया, रेड कैप में इसमें बड़ा होगा वो ज्यादा रेंज में। अच्छा इनकी वैसे एज कितनी होती है? इसकी एज होती है 25 साल होती है। 25 साल? जी 25 साल की होती है। अच्छा गाइस आप इधर देखें तो इनके पास हर एक रेंज हर एक एज का इनके पास फिशेस मौजूद है। इस टाइम कुछ छोटे साइज की फिशेस है, इनकी प्राइस भी ले लेते हैं। और इनकी ये कौन सी टाइप है? ये टाइगर है। अच्छा इसके डिजाइन की वजह से इसका नाम टाइगर फिश रखा हुआ है? नहीं नहीं, वैसे इसका नाम टाइगर है। अच्छा ये वैंकूवर में रखा हुआ है। अच्छा ये टाइगर है और ऊपर जो है अल्बिनो टाइगर है। अल्बिनो, ये दोनों मिक्स रह लेती है? ये रह जाती है। ठीक है, ये वेजिटेरियन भी होती है और मीट भी होती है। ठीक है, मीट वाली जो डिफरेंट टाइप की होती है? नहीं यही होती है, ये रहती है दोनों में। इनकी क्या प्राइस होगी? ये 500 का पेयर है। ये 500 का पेयर। और ये जो साथ में छोटी वाली, ये वाली कौन सी है? ये गप्पीस है।
पीस, ये शादी का पीस है। अच्छा ये तो सस्ती होंगी क्योंकि बहुत छोटा साइज है। सस्ती है। इसका पेयर कितने का? ये 200 का पेयर है। 200 का पेयर मतलब 100 की फिश है। जी 100 की। ठीक हो गए। अच्छा ये आप अपनी फिशेस को मंगवाते कहाँ से है? ये आती है थाईलैंड से। अच्छा ये आपकी सारी इम्पोर्टेड फिशेज होती है। अच्छा ये इस तरह की फिशेज नहीं है जो पाकिस्तान से मिलती हो? पाकिस्तान के ये सिंपल होती है, वो कस्टमर लेता नहीं है। अच्छा उनको फैंसी वाली ज्यादा पसंद है। ज्यादा अच्छी लगती है, वीडियो वगैरह देखते हैं उसी तरह से आते हैं। अच्छा गाइस कलरफुल भी फिशेस यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये येलो कलर की हैं, कुछ ऑरेंज है, कुछ रेड है और बहुत खूबसूरत कलर है। ये कौन सी किस्म है? ये सैफी टेट्रा है। सैफी टेट्रा ये की नस्ल है, ये सेम है कलर। अच्छा इनका साइज इतना ही रहता है या ये भी इससे थोड़ी बड़ी होगी? इससे थोड़ा बड़ा होगा साइज। अच्छा और इनकी एज कितनी होती है? ये साल की होती है। ये साल तक रहती है, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है, वफात हो जाती है। इनका पेयर कितने का मिल जाएगा? ये 400 का पेयर है। इसमें रेड है, ब्लू है, वाइट भी आते हैं, पिंक भी आते हैं, चार पांच कलर होते हैं, सेम रेट होता है। और ये जो छोटी छोटी है ये सेम वही है ना? नहीं नहीं ये ज़ेब्रा डाइनिंग है। ज़ेब्रा डाइनिंग, वाह कितनी खूबसूरत है। देखी जाए तो खुदा की कुदरत कैसी है कि एक छोटी सी चीज़ में भी कितने आपको कलर वगैरह मिलेंगे, डिज़ाइन वगैरह मिलेंगे। इसके अलावा ये देख लें, ये गप्पीस है। अच्छा ये गप्पीस है, ये फैंसी गप्पीस है, ये बहुत कम आती है। वाओ बहुत खूबसूरत है, मल्टी कलर्स में है, एक ही फिश के अंदर काफ़ी ज़्यादा कलर्स हैं। इसमें आते हैं कोई 15-20 कलर आ जाते हैं। अच्छा मिक्स भी आ जाते हैं कलर। अगर एक बंदा एक न्यू एक्वेरियम ले रहा है उसको कौन सी फिशेस रखना चाहिए जिनकी लाइफ अच्छी हो, उसकी मेंटेनेंस कम हो और उसकी लाइफ भी थोड़ी ज़्यादा हो, क्योंकि कुछ फिशेस होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं। जी होती है। इसके अलावा ये रखनी चाहिए कुइए और स्पंकिन रखनी चाहिए। अच्छा वो कौन सी आप, में आपके पास पड़ी है? जी पड़ी। वो ज़रा दिखाइए कौन सी है? ये एक्वेरियम लेंगे ना ये सबसे पहले ये रखनी पड़ती है, स्पंकिन होगी ये ऊपर भरी, स्पंकिन भरी। इसके अलावा ये ब्लैक कोई भरी हुई है, इसमें चार पाँच इसमें आती हैं कुइयों में। ये इसका पेयर कितने का मिलेगा? ये 400 का पेयर है। ये 400 का पेयर है। और अगर कोई बंदा न्यू एक्वेरियम ले रहा है तो उसको सबसे पहले ये वाली फिशेस रखनी चाहिए। जी ये रखनी चाहिए। इनकी लाइफ ज्यादा अच्छी होती है? इसकी लाइफ बहुत अच्छी है। और ये एक नए माहौल के साथ एडजस्ट भी हो जाती है? जी। अच्छा ये सख्त जान है? जी ये सख्त जान है। गाइस ये सख्त जान है, अगर आप अपने एक्वेरियम में लेना चाह रहे हैं और आपको एक अच्छी फिश भी चाहिए, कलरफुल डिज़ाइन में भी हो, उसकी लाइफ भी थोड़ी ज़्यादा बेहतर हो, तो आपको ये वाली फ़िश लेनी चाहिए। 400 रुपये का आपको इसका पेयर मिल जाएगा। और ये सेम वही फिश है, वही है, थोड़ा बड़ा साइज हो गया, ठीक है। इनकी क्या प्राइस है? ये 500 का पेयर है। ये 500 का पेयर, गाइस ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो आई थिंक 500 वाला पेयर में चला जाना चाहिए। और ये ब्लैक कलर की क्या है? ये ब्लैक कोई है। ब्लैक कोई, ये सेम, ये 500 वाला ही है पेयर? 2500 का पेयर है। अच्छा ये 2500 का। गाइस इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फिशेज हैं जिसमें डिफरेंट डिज़ाइन पड़े हुए हैं। आप अगर मेरे इस साइड पे देख सकते हैं तो इस साइड पे ज़्यादा बड़ा ये गोल्ड फिश है। जी ये गोल्ड फिश है। ये गोल्ड फिश है और गोल्ड फिश का काफ़ी बड़ा साइज है। इसका पेयर कितने का मिलेगा? ये मिलेगा 5,500 का पेयर है। 5,500, इससे भी बड़ा होता है। अभी ये बच्चे हैं अभी। अच्छा ये अभी भी बच्चे हैं? जी अभी बच्चे। अच्छा क्या ये फिशेज को बड़ा करके खुद खा सकते हैं? नहीं ये नहीं खा सकते, वो ये वाली खा जाते हैं। अच्छा ये वाली हम खा सकते हैं? जी। ये किस तरह का इसका टेस्ट वगैरह होता है? टेस्ट इसका राउंड जैसा ही होता है, कोई कांटा नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। ये कांटे के बगैर? जी ये कांटे के बगैर है। गाइस आप ये वाली फिशेस ले लें, बड़ा करें, अपना शौक भी पूरा कर लें, और जब आपका शौक पूरा हो जाए तब इसको तल के खा भी लो आप, आपको हाइजेनिक आपको फूड मिलेगा आपके घर का। कुछ इधर मैं फिशेस देख रहा हूँ हसन भाई, अगर दिखाएं जूम इन करके, कुछ फिशेस इन्होंने सेपरेट रखी हैं। ये सेपरेट क्यों रखी हुई है? ये आपस में लड़ते हैं, इनमें प्यार मोहब्बत नहीं है? नहीं इसमें नहीं है प्यार मोहब्बत, फीमेल का भी नहीं होता। दो दिन लगते हैं इसको फीमेल के साथ अटैच करने के लिए। ये मार देते हैं एक दूसरे को या लड़ते हैं? मार देते हैं एक दूसरे को। वाओ गाइस इसीलिए इनको अलहदा रखना पड़ता है। ये जापान की है जी, ये तो एक्सपेंसिव हो गए थे। इसके अलावा ये इधर कहते हैं जापानीज कहते हैं इसको, ये जापान की होती है। अच्छा इसकी क्या प्राइस होती है पेयर की? ये 3,000 का पेयर है। ये 3,000 का, इसमें थोड़ा बड़ा होगा वो 7,000 में जाएगा, 8,000 का जाएगा, ऐसे कैसे बड़ा होगा। और ये जो नीचे जो पड़ी हुई है ये ट्राई कलर है, ये गोल्ड फिश के लिए ट्राई कलर, गोल्ड फिश ये बहुत कम आते हैं। ये कोई बफलो टाइप भी एक, बफलो टाइप भी एक होती है वो, वाइट ब्लैक वाली बफलो, वो ये जापान की है ना, ये जापान में ऐसी आती है।
अच्छा, इस साइज में अगर पेयर लेना हो इस डिजाइन में तो ये 1800 का पेयर मिलेगा। ये 1800 का गाइस, 900 रुपए का एक फिश आपको मिलेगी। शॉप का कोई मोल नहीं होता। अगर आपने छोटा सा घर में एक्वेरियम रखा हुआ है, आप फिश पैलेस के साथ रابطہ कर सकते हैं। एड्रेस स्क्रीन के ऊपर है। शहजाद भाई का नंबर भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप उनसे रابطہ कर सकते हैं। शहजाद भाई, अगर कोई बंदा लाहौर वाला तो आपकी शॉप पे आ जाएगा जी। लाहौर से जो बंदा बाहर है, लेट्स सपोज फैसलाबाद, इस्लामाबाद है, लेकिन वो फिशेस का शौकीन है, तो उसके एरिया में कोई शॉप नहीं है, वो बाय करना चाह रहा है, तो क्या आप उनको डिलीवर कर देते हैं? कर देते हैं। कुछ है आपका ऐसा कार्गो सिस्टम जिससे? तो उसमें फिशेस मरेंगे थी ना? कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, मतलब लाहौर से बाय डिलीवर हो जाएगी? लाहौर से बाय हो जाती है। ठीक है गाइस, इधर से मर्जी किराए, किधर मर्जी हो जाती है। गाइस ये चीज़ आप देख लें, हमारी कोशिश होती है कि आपके साथ उस शॉप का रिव्यू करवाया जाए जहाँ पे आपको एक ऑथेंटिसिटी मिले और सेकंड आपको वर्ल्ड नेशन वाइड जो है आपको डिलीवरेंस मिले। ये शॉप पे आपको पाकिस्तान के किसी भी कोने में आप बैठे हुए हैं, आपको कोई भी फिश चाहिए ये आपको डिलीवर कर देंगे और आपकी फ़िश को भी कुछ भी नहीं होगा। गाइस शहजाद भाई अभी मुझे सबसे जो इनके पास एक्सपेंसिव वाली फ़िश है वो दिखाएँगे। ये देखें, ये बढ़िया डिस्कस है, बहुत सैंपल। ये फिश जी, इसका नाम क्या? डिस्कस। डिस्कस फिश। गाइस बहुत ही मतलब एक पेपर की मानिंद है। एक पेपर का आप इधर उधर दोनों तरफ से देख लो जितना वो ब्रेक होता है, वैसे है। ये वैसी है। वाओ, इसमें बहुत किस्में आती हैं, 5-6 आ जाती हैं हमारे पास। कौन सी सबसे हल्की है ना, ये है सबसे हल्की, छोटा सा। इसका पेयर कितने में? ये 6500 का पेयर है, छोटे वाला। 6500 का छोटे वाला, मतलब ये वाला? ये वाला। ठीक है, और ये इस साइज में कितने? इस साइज में मिलेगा 22000 का। गाइस 22000 का आपको फिश का पेयर मिलेगा और वो फिश है ये। इसमें गोल्डन होगी वो हो जाएगा 45000 रुपए का। इसमें वाइट जाएंगे वो 60000 हो जाएगा वाइट में। इससे थोड़ा बड़ा होगा। और ये क्या, ये भी जापानी है या थाईलैंड की? ये थाईलैंड की है गाइस, ये थाईलैंड की फिश है। ये एक दूसरे को खाने वाली है जी, एक दूसरे गाइस। ये फिश मुझे बड़ी अच्छी लगी है। इसमें काफी नस्लें होती हैं, ये अफ्रीकन सील है। अच्छा, इसका पेयर कितने का मिलेगा? ये 2500 का पेयर मिलेगा। 2500 का। बड़ी एक यूनिक टाइप की फिश है, लो आज़ाद हो गई है ये फिश। ये हमें दुआएं दे, हमने इसको आज़ाद कर दिया। अच्छा, ये एलिगेटर फिश जो है, ये इस साइज में पेयर कितने का मिलेगा? ये साइज में मिलेगा 4500 का पेयर है। 4500 का ये साइज में हो जाता, 2 फुट का पीस हो जाता है ये। 2 फुट का हो जाता है एक साल के अंदर अंदर। 2 फुट का, तो ये तो मतलब एक किस्म का वो पूरा क्रोकोडाइल ही दिखता होगा। गाइस फिश पैलेस पे आपको एक्वेरियम की भी तमाम डिजाइन जो है वो मिलेंगे। हम कुछ डिजाइन का रिव्यू भी कर लेते हैं। शहजाद भाई ये बताइएगा कि आपके पास हर साइज का मिल जाएगा एक्वेरियम, अगर कोई छोटा चाह रहा हो या बड़ा चाह रहा हो? मिल जाएगा गाइस। अच्छा, ये लेट्स सपोज ये वाला एक एक्वेरियम है, इसका क्या साइज है? ये 2 फुट हाइट है, 2 फुट लेंथ है, 1 फुट चौड़ाई है। चौड़ाई। और इसकी क्या प्राइस होगी? ये 14000 का है। ये 14000 का। इसकी हमारी गारंटी होती है, ये खुल जाए हमारा होता है, लीक भी हमारा होता है। ठीक है, लकड़ी की और शीशे टूटने की हमारी गारंटी नहीं होती है। ठीक है, लकड़ी की और शीशे टूटने की गारंटी नहीं है। और अगर इसमें छोटा वाला देखा जाए, ये मेरे ख्याल में डेढ़ ये तैयार पड़ा हुआ, ये देख रहे हैं, ये 1.5 फुट का है। इसकी क्या प्राइस है? ये मिलेगा 8500 का है। 8500 का। इसमें ये सिंपल लेंगे, ये पड़ा हुआ 7000 का मिलेगा। सबसे सस्ते वाला कौन सा? ये वाला। गाइस ये आपको 7000 का मिल जाएगा। ये सिंपल में बना होगा, लेकिन उसका ऊपर जरा हुड वगैरह बना, इसलिए वो तकरीबन 8500 का पहुंच जाता है। इसके अलावा ये एक और मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये वाला जो है सबसे सस्ते वाला, ये है। सबसे सस्ते वाला। ये कितने का? ये 4500 का है। ये 4500 का है और ये सबसे सस्ते वाला इनके पास मौजूद है। गाइस अगर आप देखें तो इस साइड पे भी एक्वेरियम के डिजाइन पड़े हुए हैं, थोड़ी बड़ी वरायटी है। इस साइड पे भी बने हुए हैं, ये भी बने हुए हैं, और यहाँ पे आपको बॉल्स भी मिलेंगे। आप अगर बॉल्स में फिश रखना चाह रहे हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। और अगर आप कस्टमाइज करवाना चाह रहे हैं, अगर आप अपने एक्वेरियम की मेंटेनेंस करवाना चाह रहे हैं, तो मेंटेनेंस वगैरह भी आप कर देते होते हैं? कर देते हैं। और इनके पास आपको फिशेस का फूड भी मिलेगा, पंप वगैरह भी मिलेंगे, तमाम वैरायटी जो है आपको फिश एक्वेरियम से रिलेटेड मिलेगी। सिद्धार्थ भाई आप अपना नंबर जरा शेयर कर दीजिए। चलिए मैं कर देता हूँ, 0320-4577-714। गाइस आपके साथ शहजाद भाई का नंबर जो है वो शेयर कर दिया गया है।
शॉप का एड्रेस स्क्रीन के ऊपर है, आपको एक्वेरियम की प्राइजेस और फिशेस की वैरायटी जो है वो आपके साथ उसकी प्राइजेस शेयर कर दी गई हैं। इस तमाम इंफॉर्मेशन के साथ टीम डेस्परेट यूट्यूबर्स को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।